Assalamu alaikum student, I am Atau Rahman from Ustad Computer Academy. Student, we will discuss in this lecture about system software and its different types. So let's get started. System software is designed to control and run the computer hardware and application software. Yani jo system software hai, ye design kiya gaya hai किस चीज़ के लिए कि ये एक काम कंट्रोल करने के लिए और दूसरा रन करने के लिए द कंप्यूटर हार्डवेयर एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम यानी आप अपने सिस्टम में जब एप्लीकेशन प्रोग्राम इंस्टॉल करते हो तो वो भी आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर पे चलेगा यानी विदाउट सिस्टम सॉफ्टवेयर आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी काम नहीं कर सकता। इसका मतलब यह है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम के लिए बेस्ट है, जैसे कि इंसान की बॉडी है और इस बॉडी की रूह सोल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर इंसान में रूह ना हो तो फिर सारा बॉडी उसकी ठीक भी हो तो ये काम नहीं करता। इस तरह आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है। फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर फर्दर कैटेगराइज किया गया है, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब यह है कि आपका जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है ये बेसिक्स आपका सिस्टम रन करेगा। फिर आप डिफरेंट एप्लीकेशन प्रोग्राम उस पर इंस्टॉल करते हो तो एप्लीकेशन प्रोग्राम फिर भी आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर चलेगा। इट मीन्स दैट कि सिस्टम सॉफ्टवेयर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सिस्टम। सिस्टम रन करना है, सिस्टम को ऑन करना है, तो इसके लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर बहुत ज़रूरी है। ये मंदरजील काम करते हैं, जिस तरह एसेंशियल एंड नीडेड फॉर कंप्यूटर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उसके लिए, आल्सो कॉल्ड जनरल पर्पस, और ये एक जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर भी इसको कहते हैं। एग्जांपल उसके ओएस हैं ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड, लिनक्स, माइक्रोसॉफ्ट एट्सेट्रा, विंडोज़, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एट्सेट्रा, तो ये सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्ज़ाम्पल हैं। अब नीचे आते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर के टाइप्स कौन से होते हैं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर फर्दर कैटेगराइज किया है तीन मेन कैटेगरी में, ऑपरेटिंग सिस्टम में, डिवाइस ड्राइवर में एंड यूटिलिटी प्रोग्राम में। ऑपरेटिंग सिस्टम, अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? सोल ऑफ द कंप्यूटर, यानी इसको कंप्यूटर का रूह भी कहा जाता है। जब ये सिस्टम में ना हो, कंप्यूटर में ना हो, तो आपका सिस्टम नहीं चलेगा, इसलिए उसको सोल कहते हैं। मैंने पहले एग्जांपल दिया इंसान का, अगर इंसान में रूह ना हो तो फिर इंसान कुछ भी नहीं कर सकता, उसकी बॉडी ठीक हो। फर्स्ट प्रोग्राम लोडेड इनटू मेमोरी, आप जब अपने सिस्टम को ऑन करेंगे तो आपकी मेमोरी में सबसे पहले आपका ओएस यानी ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो जाएगा, और ये फाइल मैनेजमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। आपके जितने भी फाइल्स होते हैं उसको मैनेज करते हैं, बूटिंग के लिए यूज़ करते हैं, जिस तरह विंडो में हम विंडो बूट करते हैं, तो ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन हैं। दूसरा है डिवाइस ड्राइवर, डिवेलप फॉर स्पेसिफिक हार्डवेयर, यानी डिवाइस ड्राइवर एक स्पेसिफिक हार्डवेयर के लिए बनाया गया है। जिस तरह हम एग्जांपल देते हैं कि हम अपने सिस्टम को विंडो करते हैं, विंडो के बाद या उसका डिस्प्ले ख़राब होते हैं या उसका साउंड ठीक नहीं आ रहा, साउंड में प्रॉब्लम होते हैं, या हम उसमें यूएसबी इंसर्ट करते हैं तो यूएसबी काम नहीं करता, तो इन सारों के लिए अलग अलग डिवाइस ड्राइवर होते हैं। जब हम उसको इंस्टॉल करते हैं तो फिर ये काम शुरू करते हैं, तो ये भी एक टाइप का सॉफ्टवेयर है, लेकिन सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो एक स्पेसिफिक हार्डवेयर के लिए बनाया गया है। जिस तरह अलग अगर कलर में इशू है तो उसके लिए अलग ड्राइवर है, अगर यूएसबी फेक नहीं कर रहा तो इसके अलग ड्राइवर है, तो इसलिए ये स्पेसिफिक हार्डवेयर के लिए बनाया गया है। ट्रांसलेटर बिटवीन प्रोग्राम एंड हार्डवेयर, और ये क्या होते हैं? ये ड्राइवर आपके जो प्रोग्राम होते हैं और आपका जो हार्डवेयर होते हैं इंटरनल इन योर सिस्टम, ये उसके दरमियान ट्रांसलेटर के काम करते हैं। यानी ये उसको बताते हैं कि फला जो सॉफ्टवेयर है या ड्राइवर है
ये इस हार्डवेयर के लिए है और ये इस तरह ये फंक्शन करेगा। थर्ड नंबर पे है यूटिलिटी प्रोग्राम, ये भी एक किस्म का सिस्टम सॉफ्टवेयर है। हेल्प फॉर कॉन्फ़िगरेशन एनालाइजिंग ऑफ द सिस्टम, यानी आपका जो सिस्टम है उसकी कॉन्फ़िगरेशन करना, उसको एनालाइज करना कि मसला कहाँ पर है, आपका सिस्टम ठीक काम कर रहा है या नहीं कर रहा, या अगर आपका सिस्टम स्लो है, आपका सिस्टम क्रैश हो रहा है तो ये क्यों हो रहा है, तो इन चीज़ों को मैनेज करते हैं। इसके अलावा परफॉर्म टास्क लाइक सिक्योरिटी प्रोटेक्शन और डिलीटिंग फाइल, और ये किस तरह के काम करते हैं, जिस तरह मुख्तलिफ़ किस्म की सिक्योरिटी के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं या जो हम डिलीटिंग के लिए सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, जिसमें आते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के ये फंक्शन होते हैं, स्कैन डेस्क, जब हम डेस्क को स्कैन करते हैं तो ये एक किस्म का छोटा सा सॉफ्टवेयर है, इसको कहते हैं यूटिलिटी प्रोग्राम, और ये आपके सिस्टम के डेस्क को स्कैन करते हैं और इससे वायरस रिमूव करते हैं। इसके अलावा पासवर्ड प्रोटेक्शन, ये भी एक किस्म का यूटिलिटी प्रोग्राम है। बैकअप सॉफ्टवेयर, यानी जितने भी आपके बैकअप लेते हैं सॉफ्टवेयर, ये भी एक यूटिलिटी प्रोग्राम होते हैं। फाइल प्रोटेक्शन, फाइल कंप्रेशन, यानी जो फाइल्स मिनिमाइज करते हैं, कंप्रेस करते हैं, या डिफरेंट एंटीवायरस होते हैं, तो ये सारे जितने भी सॉफ्टवेयर है इसको यूटिलिटी प्रोग्राम कहते हैं, जो कि एनालाइजिंग के लिए, कॉन्फ़िगरेशन के लिए या फिर सिक्योरिटी पर्पस के लिए यूज़ होते हैं। स्टूडेंट, इस लेक्चर में हमने सिस्टम सॉफ्टवेयर और इसके डिफरेंट टाइप्स के बारे में डिटेल से डिस्कस किया। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल, ऑल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड प्रेस द बेल आइकॉन। तब तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।